Hello everyone, I am Divya and I am back with yet another haul video. So without further ado, let's begin. ये रहा वो थोड़ा बहुत सामान जो मैंने लिया है, मोस्टली मेकअप है, थोड़ा बहुत स्किन केयर है, तो फटाफट से डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं. सो फर्स्टली आई गॉट दीज टू मल्टी क्रोम आई शेडोज. वन इज फ्रॉम मार्स, ये उनके नए वाले लॉन्च में से है, जो नॉर्दर्न लाइट्स लिक्विड आई शेडो उन्होंने लॉन्च किए थे. मेरे पास चार शेड्स ऑलरेडी हैं क्योंकि मुझे इसका फॉर्मुला एक्चुअली पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो यार एक ही शेड बचा है वो भी ले लेते हैं. तो वन शेड दैट आई वाज मिसिंग आउट ऑन वाज अलास्कन अरोरा, और ये ही मैंने अब लिया है. दिस इज एक्चुअली अ ग्रीन शेड और थोड़ा सा इसमें गोल्ड का हिंट आता है. एंड ओ माय गॉड, ये मैं स्वॉच करके दिखाती हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स, मोस्टली ग्रीन शेड है, थोड़ा सा फिर इसमें लेमन ग्रीन का इफेक्ट भी आता है, बट मोस्टली एक डार्क ग्रीन शेड है. सो दिस इज हाउ द शेड 03 अलास्कन अरोरा लुक्स लाइक. बाय द टाइम मैं ये हॉल वीडियो पोस्ट करूंगी, तब तक इन लिक्विड आई शेडोज पर एक वीडियो ऑलरेडी जा चुकी होगी, सो मेक श्योर यू चेक द वीडियो आउट. एंड बिकॉज आई एम क्वाइट लविंग दीज मल्टी क्रोम आई शेडोज, तो इसलिए मैंने ये कलर्स क्वीन का मल्टी क्रोम आई शेडो भी लिया. एंड दिस इज शेड नंबर 11. क्योंकि मार्स की रेंज में कोई ब्लू शेड नहीं था, तो इसलिए आई थॉट ऑफ बाइंग अ ब्लू शेड. दिस इज हाउ शेड नंबर 11 फ्रॉम कलर्स क्वीन लुक्स लाइक. मैंने इसे ना अभी अपनी आईज पे यूज़ करके नहीं देखा है, लेकिन जैसे मैंने स्वॉच ही किया है इसे, इससे पहले मैंने एक और बार इसे स्वॉच किया था, तो मुझे ना पसंद नहीं आया. आई मीन जैसे मार्स से आप कंपेयर करके देख लो, तो यहाँ मार्स में कितना अच्छा खासा इफेक्ट आपको मिल रहा है और कैसे चमक रहा है, इसकी शाइन एक अलग सी ही दिख रही है. लेकिन ये कलर्स क्वीन का जो मल्टीक्रोम आई शेडो है, ये बहुत ही डेड सा दिखाई दे रहा है. इसमें वो शिमरीनेस और इसमें वो ब्लिंकीनेस मुझे दिखाई नहीं दे रही. सिंपल से शब्दों में बोलूँ तो बहुत ही फीका दिख रहा है. 450 से 500 रुपये के बीच में आपको ये मिल रहा है, और उसमें ये ऐसा फीका सा कलर, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई. आईज पे मैं लगा के देखूंगी एंड देन आपको बताऊंगी कि मुझे एक्चुअल में कैसा फील हो रहा है. उतना ज्यादा प्राइस में फर्क नहीं है, मार्स वाला सिर्फ 50 रुपये ज्यादा है इससे. देन आई गॉट दिस इनसाइड ग्लाइड ऑन ब्लाइनर एंड द शेड आई गॉट इज नंबर 16 हाई की. ये एक्चुअली उनके नए शेड में से है, तो पहले ना इनसाइड ने 12 शेड्स लॉन्च किए थे, अब उन्होंने अपनी शेड रेंज को एक्सपैंड कर दिया, तो उन्होंने 12 शेड्स और लॉन्च किए हैं. आई गॉट 16 हाई की क्योंकि मुझे इस लिप लाइनर का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक नया शेड भी ट्राई करके देखा जाए. दिस इज़ नॉट अ न्यूट्रल ब्राउन, दिस इज नॉट अ कूल टोन ब्राउन, ये एक प्रॉपर रेडिश ब्राउन शेड है. मुझे पर्सनली इन लिप लाइनर्स का फॉर्मूला बहुत पसंद है, और अभी तक अगर आपने नहीं ट्राई किया ना ये वाले लिप लाइनर, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना. बस कोई एक शेड ट्राई करके देखो एंड देन फिर आपको पसंद आएगा तो आप और भी ले सकते हो. देन आई गॉट दिस आई शेडो स्टिक फ्रॉम ब्लू हेवन एंड दिस इज फ्रॉम देयर एन रेंज. ये मेरे पास ना बहुत टाइम पहले से है, इसके कुछ और शेड्स, आई थिंक मेरे पास इसमें 3 शेड्स ऑलरेडी हैं. मैंने इसका ये वाला शेड देखा एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ऐसा ब्राउनी सा शेड, तो मैंने कहा यार ये लेके देख लेते हैं, शायद मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करूँ. मतलब मेरे को तो ऐसे फील हो रहा था कि मैं इस वाले शेड को बहुत ज्यादा यूज करूंगी, तो इसलिए मैंने ले लिया, और डिस्काउंट भी ठीक ठाक मिल रहा था. तो इस स्टिक में क्या होता है कि एक साइड आपको मैट फिनिश वाला आई शेडो मिलता है और एक साइड आपको मेटालिक आई शेडो मिलता है. सो दिस इज द मेटालिक शेड जो कि मुझे काफी पसंद आ रहा था. एंड बाय द वे वेरिएंट का नाम है ब्रॉन्ज डस्ट, सो यू कैन सी ऐसा ब्रॉन्जी सा शेड है. इन पर्सन मुझे थोड़ा ज़्यादा शिमरी दिखाई दे रहा है, यहाँ स्क्रीन पे थोड़ा सा कम शिमरी दिखाई दे रहा है, लेकिन कलर बहुत ही प्यारा है. आई थिंक मैं ना इसे ये मार्स के लिक्विड आई शेडो के साथ भी पेयर करके देखूंगी, तो ऑन इट्स ओन तो मैं इसको यूज़ कर ही सकती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन हाँ एज अ बेस मैं इसको लगा सकती हूँ एंड देन इसके ऊपर मैं मार्स का मल्टीक्रोम आई शेडो लगा सकती हूँ, तो आई थिंक वो भी काफ़ी एक अच्छा लुक आएगा. एंड इसका फॉर्मुला भी काफ़ी अच्छा है, ईजी टू यूज़ है, और थोड़ा सा ब्लेंडिंग टाइम आपके लिए रहता है एंड देन बाद में सेट हो जाता है. एंड दी अदर शेड इज़ अ मैट शेड और उसमें ना एक डार्क ब्राउन कलर आता है, एंड दिस इज द डार्क ब्राउन कलर. थोड़ा सा मडी सा ब्राउन कलर है, एंड आई थिंक ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा अगर मुझे थोड़ा स्मोकी आई लुक टाइप करना है, थोड़ा इंटेंस इफेक्ट चाहिए आउट ऑफ वी पे, आई थिंक ये कलर भी काफ़ी कम आएगा. देन आई गॉट दीज टू ब्लशेज फ्रॉम इनसाइड. आई नो कि ये नए लॉन्चेज में से तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये वाले ब्रशेज नहीं थे. दीज आर कॉल्ड देयर लिप एंड चीक टिन, पता नहीं बस ऐसे मेरा लेने का मन हुआ, तो इसलिए मैंने दो शेड्स ले लिए. वन शेड कैंडी केन जो कि एक थोड़ा पीची पिंक शेड है, एंड द अदर शेड इज कंट्री पंपकिन विच इज अ वार्म टोन शेड. ये अंडर 100 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे, 110 आई थिंक इसकी MRP है, लेकिन हमेशा आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, तो मुझे अंडर 100 रुपीज़ ही मिला. तो बाहर की पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है एंड ये कलर कोऑर्डिनेटेड है, तो जैसे ही बाहर की पैकेजिंग है वैसा ही इसका शेड होता है. सो दिस इज द शेड कैंडी केन, स्वॉच करके देखते हैं इसको. आई एम अज्यूमिंग कि दीज विल नॉट बी अल्ट्रा पिगमेंटेड, और इसीलिए मैंने लिया, मुझे ओवरली पिगमेंटेड नहीं चाहिए. फॉर्मूला अभी तक तो यार मेरे को अच्छा लग रहा है, बिकॉज ब्लेंडेबल भी लग रहा है, ओवरली पिगमेंटेड नहीं है, हैंड्स पे स्वॉच करने पे तो अच्छा लग रहा है, बाकी तो जब मैं फेस पे लगाऊंगी तब पता चलेगा. आई विल श्योरली मेक अ रिव्यू ऑन दिस, लेट यू गाइज नो कि मेरे इसमें ओपिनियंस क्या है. एंड आई एम ऑल्सो लाइकिंग द फिनिश एज वेल, ड्यू ही फिनिश आ रही है इसकी.
एंड इट हैज अ फ्रूटी फ्रेग्रेंस इन इट, जो इनसाइड प्रोफेशनल के एयर ब्रश में आती है एक्जैक्टली वैसी फ्रेग्रेंस है. नाउ लेट्स ओपन द अदर शेड व्हिच इज कॉल्ड कंट्री पंपकिन, और कुछ इस तरीके का ये शेड है, इसकी पैकेजिंग ऐसी है और एकदम वार्म टोन शेड है, इसलिए मेरा लेने का बड़ा मन था कि मुझे कुछ ऐसा ऑरेंजी और ब्राउन सा कुछ ऐसा शेड चाहिए था, और पैन में ऐसे दिख रहा है, मन नहीं कर रहा वैसे मेरा स्वॉच करने का, इतना प्यारा सा दिख रहा है. अगेन बहुत ही क्रीमी है, ईजिली पिगमेंट उठ के आ जाता है. एंड कहाँ स्वॉच करूँ मैं, ईजी टू ब्लेंड है, पैन में ज़्यादा डार्क दिख रहा था, वैसे स्किन पे ना ऑरेंजी कलर ही आ रहा है इसका, मतलब ऐसा ब्राउन नहीं दिख रहा है ये. एंड देन फाइनली आफ्टर बाइंग ऑल दिस मेकअप आई बॉट सम स्किन केयर. दिस टाइम आई एम ट्राइंग आउट समथिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी. मोस्टली अभी तक मैंने मिनिमलिस्ट के सिरम्स यूज़ किए हैं और इक्के दुक्के थोड़े और ब्रांड्स के यूज़ किए हैं लाइक प्लम वगैरह, लेकिन मैंने ऑर्डिनरी का कभी कुछ ट्राई नहीं किया था एंड आई रियली वॉन्टेड टू, इसलिए आई गॉट माई फेवरेट सिरम विच इज़ नायसिनमाइड. दिस इज देयर नायसिनमाइड 10% प्लस जिंक 1% सिरम. नायसिनमाइड मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सूट करता है. आई यूज़ नायसिनमाइड फ्रॉम मिनिमलिस्ट, वो भी 10% में यूज़ करती हूँ एंड इट रियली सूट्स माई स्किन. तो मैंने कहा इस बार ऑर्डिनरी का लेके देखते हैं, देन फिर प्रॉबेबली मैं एक वीडियो भी बना सकती हूँ जिसमें मैं बता सकती हूँ आपको कि मुझे ऑर्डिनरी का ज़्यादा अच्छा लगा या मिनिमलिस्ट का, एंड इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है. वन मोर रीजन वाई आई एक्चुअली गॉट दिस सिरम एट दिस पर्टिकुलर टाइम इज क्योंकि अभी एक ऑफर चल रहा था, तो ऑर्डिनरी का अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उस पर आपको उनका हाइलुरोनिक एसिड फ्री मिल रहा था, वो भी पूरी फुल साइज बॉटल इस तरीके की बॉटल में आया है. जब मैं ये यूज़ करके देखूंगी तब मैं आपको एक्सपीरियंसेस ऑब्वियसली अपनी अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगी. सो दोज वर ऑल द मेकअप प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट एंड सम स्किन केयर ऑल्सो. आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो. इन केस यू देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एंड बाय.